यो सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, लास्ट टाइम जब भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, मेरे को लोग जरूर पूछते हैं कि भाई कार्ड स्प्रे पे वीडियो डालो, कार्ड स्प्रे पे वीडियो डालो। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, कार्ड स्प्रे पे रहेगा, टोटली डेडिकेटेड। सो यार, वीडियो एंड तक देखना। बट यार, जो आज का वीडियो ना, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव साइड रहेगा एंड काफ़ी ड्रिल्स भी इसमें मैं बताते रहूँगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है। बट सो ट्राई टू वॉच टिल द एंड। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स टॉक अबाउट अवर स्पॉन्सर्स फॉर दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहां पे आप 70 प्लस गेम्स करके पैसे कमा सकते हैं। यहां पे विंजो पूल, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप एंड बास्केटबॉल जैसे काफ़ी गेम्स आप खेल सकते हो। यहां पे विंजो वॉलेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपका पैसा ट्रांसफर होगा एंड उसको आप इजीली अपने बैंक में पेटीएम या यूपीआई थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। इधर विंजो वर्ल्ड गेम्स में बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं जिसको आप जीत के लाखों रुपए कमा सकते हो। यहां पे विंजो स्टोर भी है, जहां पे आप फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल जैसे और भी गेम्स के इन गेम करेंसी खरीद सकते हो। इसी के साथ आप यहां पर कम पैसों में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड गिफ्ट वाउचर्स भी खरीद सकते हैं। तो यार, इंतजार किस बात का है, जाइए डिस्क्रिप्शन के लिंक के साथ विंजो डाउनलोड करिए एंड 50 रुपए का बोनस पाइए। सो गाइस, एक परफेक्ट कार्ड स्प्रे अचीव करने के लिए काफ़ी चीज़ें ऑन पॉइंट होनी चाहिए, तभी आपका जो स्प्रे है वो एकदम ऑन पॉइंट जाएगा एंड मोस्टली प्लेयर्स को डैमेज देगा। जिसमें कि फर्स्ट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपका क्रॉसर प्लेसमेंट। आपका क्रॉसर बिल्कुल सही जगह पर रहना चाहिए, ताकि जो आपकी स्कोप ओपनिंग हो, आपकी इनिशियल बुलेट्स प्लेयर्स को अच्छी तरह कनेक्ट हो। सेकेंडली, आपका रहता है रिकॉइल कंट्रोल, ताकि जो आपकी एम का लेवल है वो ऊपर या नीचे ना जाए, ज़्यादा एकदम ऑन पॉइंट रहे। एंड आफ्टर दैट कम्स योर एम ट्रेसिंग, ताकि आप व्हीकल को एकदम ट्रेस करते हुए बंदों को नॉकडाउन कर पाओ। सो ये सभी चीज़ें आपको कैसे अचीव करनी है, एकदम प्रॉपर ऑन पॉइंट कैसे करनी है, सब आपको मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो यार, शुरू करते हैं। सो गाइस, आपका जो क्रॉसर है वो टारगेट के हल्का सा आगे खुलना चाहिए। ये आप स्कोप ओपनिंग आपकी तब आपको मास्टर होगी, जब आपको पता चलेगा कौन सी रेंज पे बुलेट ड्रॉप आपकी गन का कैसे है। एंड अगर आपको वो बुलेट ड्रॉप फाइंड करना है, उसके लिए भी अभी मैं आपको एक ड्रिल बताऊंगा, ड्रिल नहीं, आई गेस एक टेक्निक बोल सकते हैं उसे। वही चीज़ के साथ मैंने अपने रेंज पे कहाँ पे मेरे को स्कोप ओपन करना है वो सब फिगर आउट किया था। तो अभी आप अपने मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, देखिए ये कितने मीटर्स है, मैंने स्प्रे कर रहा हूँ, मेरे स्प्रे के पीछे देखिए बुलेट्स फॉर्म हो रही है, आपको दिख रही होंगी जो पीछे कनेक्ट हो रही हैं। अभी यहाँ पे मैं दूर आपको करके दिखाता हूँ स्प्रे, ये आई गेस 300 प्लस होगा। तो ये देखिए, जब मैं स्प्रे करूँ मेरे पीछे वो बुलेट्स बन रही हैं। आपको ये जो बुलेट्स होंगी ना, इनको देखने, क्योंकि जहाँ पे ये बुलेट्स होंगी वहाँ पे व्हीकल होनी चाहिए, तभी आपकी सारी गोलियाँ कनेक्ट करेंगी आपके ओपोनेंट को एंड आप इजिली कार स्प्रे से दूसरे के ओपोनेंट को नॉकडाउन कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड यार, ये वाली टेक्निक से ना आप हर एक रेंज का चेक कर सकते हो, बस आपको टाइम लगेगा। सो गाइज, आफ्टर ऑल दैट, हमारे पास जस्ट जो रिमेनिंग चीज़ें रहती हैं वो है कुछ ड्रिल्स प्रैक्टिस करना, ताकि हमारा एम ट्रेसिंग ऑन पॉइंट रहे। अभी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, अब उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सब आप ये ड्रिल्स की प्रैक्टिस से कर पाओगे। सो आपको यहाँ पर आ जाना है एंड ये सभी टारगेट की स्पीड मैक्सिमम कर देनी है एंड हेल्थ भी मैक्सिमम कर देनी है। आफ्टर दैट आपको इन्हें ट्रेस करने की कोशिश करनी है, ट्राई टू कनेक्ट एज मच हेड शॉट्स एज यू कैन, उससे आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी। यहाँ पर आके ये मैं करता हूँ आई गेस अराउंड 5 to 10 मिनट्स, देन आफ्टर दैट मैं अपनी नेक्स्ट ड्रिल पे जाता हूँ जो कि आती है यहाँ पर आके। आप यहाँ से देखिए, एक बहुत ही लंबे टारगेट्स की एक लेन है, यहाँ पे मैं सबके हेड लेवल पे रख के ट्रेस करने का ट्राई करता हूँ। इससे अगर मूविंग व्हीकल मेरे सामने से जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा मेरे को उसको ट्रेस करना रहा, तो वो करने की मेरे को आदत रहेगी, मेरे को प्रॉपर अपनी सेंसी पे हाथ बैठा रहेगा। तो ये मैं करता हूँ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ताकि कोई भी साइड से मेरे को ऐसा ना हो कि मैंने एक साइड की प्रैक्टिस की हो, एक साइड की प्रैक्टिस ना की हो। तो ये भी मैं करता हूँ अराउंड 5 मिनट्स जो, एंड ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है। आफ्टर दैट जो ड्रिल है यार, ये आपने डी ड्रिल स्नैक्स भाई की वीडियो में बहुत बार देखी होगी एंड ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रिल है। आपको यहाँ पे एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक ट्रेस करना है। यहाँ पे कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम जायरो सिर्फ यूज़ करें या थंब यूज़ करें। मेरा ऐसा है कि मैं जायरो एंड थंब दोनों यूज़ करता हूँ सिमल्टेनियसली जब मैं कार स्प्रे देता हूँ, क्योंकि यार थंब से स्वाइप करना पड़ जाता है जब कार बहुत तेज़ निकले या फिर बहुत दूर तक जाए, तो वहाँ पे हमें थंब हल्का सा यूज़ करना पड़ जाता है। सो ये भी मैं अराउंड 5 मिनट्स करता हूँ, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब की जो ड्रिल है, ये आपने कोई भी वीडियो में नहीं देखी होगी या मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। इसमें आपको ये जो सामने हाउसेस दिख रहे हैं ना, इनको ट्रेस करना है। अब ये ऊपर नीचे वाला ट्रेसिंग क्यों, सब लोग सोच रहे होंगे अभी तक जितनी भी ट्रेसिंग थी वो बिल्कुल सीधी सीधी थी, ये ऐसे ट्रेसिंग क्यों? यार आपको पता होगा हिली एरियाज में जब हमारे आसपास से गाड़ी निकल, तो गाड़ी ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ पे कुछ लोग ट्रेस नहीं कर पाते क्योंकि ना आदत होती है एकदम सीधा ट्रेस करने की। सो मैंने ये पर्सनली चीज़ फेस की थी, इसलिए मैं ये भी करता हूँ। ये मैं अराउंड लाइक 3 to 4 मिनट्स करता हूँ बस, एंड मेरी एकदम कार स्प्रे वाला जो हाथ है ना, एकदम मेरा प्रॉपर बैठ जाता है। तो ये एक प्रॉपर एक लाइक
वीडियो थी कार स्प्रेस के ऊपर, हाउ आई ट्रेन माय कार स्प्रे जिससे मेरे कार स्प्रेस बेटर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ब्रिंग मोर ऑफ इट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल लेटर।